महाराष्ट्र में भयंकर सूखे की मार, 34 जिलों में सूखा बरपा रहा है कहर, जनता है बूंद बूंद पानी को मोहताज, सूखे की वजह से जा रही है पशुओं की जान, लाचार किसान और गैर जिम्मेदार सरकार। महाराष्ट्र में सूखे ने पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के कई इलाके 1972 के बाद से सबसे बड़े सूखे का सामना कर रहे हैं। इस भीषण सूखे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोग पानी के लिए आपस में भिड़े जा रहे हैं। किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। महाराष्ट्र में कुल 34 जिलों में से सोलापुर, अहमदनगर, सांगली, पुणे, सतारा, बीड और नासिक सूखे से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। बुलढाणा, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, औरंगाबाद, जालना, जलगांव और धुले जिलों में भी स्थिति गंभीर है। साफ है कि स्थिति विकट है। तालाबों, नदियों, कुओं सभी से पानी गायब हो गया है। पानी बस यहाँ के लोगों की आंखों में दिखता है। पूरे देश में विदर्भ ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज्यादा किसानों ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की है। सरकार के तमाम वादों के बावजूद आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद अब तक सरकार ने किसानों के हित में कोई सीधा और कारगर कदम नहीं उठाया है। सरकार की ओर से महाराष्ट्र के लिए सूखा राहत पैकेज मंजूर तो कर दिया गया है, मगर ये पैकेज नाकाफी नजर आता है। साथ ही इस पैकेज का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो पाएगा या नहीं, इस पर भी संदेह बना हुआ है। अगर महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति इसी तरह बनी रहती है तो आने वाले कुछ समय में देश की अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। सरकार की ओर से जल संरक्षण पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। देश के तमाम नदियों को एक सूत्र में बांधने की सरकारी फाइलों में बंद योजना को सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने का निर्देश तो दे दिया, मगर सरकार का रवैया अब तक इस मामले में दुर्भाग्यपूर्ण ही रहा है। 2002 में एनडीए सरकार के कार्यकाल में भयंकर सूखे की स्थिति को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने इस महत्वपूर्ण परियोजना का ब्लूप्रिंट तैयार करने का निर्देश दिए थे, मगर यूपीए सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगर उस वक्त से ही इस परियोजना पर काम किया जाता तो शायद आज हालत ये ना होते। सरकार ने ना तो नदियों को जोड़ने की इस परियोजना को तरजीह दी और ना ही जल संरक्षण के लिए कुछ किया। पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने एक बार भी इस योजना को लागू करने का प्रयास शुरू नहीं किए। हालांकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई थी और कहा था कि अगर परियोजना में लापरवाही बरती गई तो अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा समेत कई और संस्थाएं और लोग इस विपदा से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही ट्विटर पर भी लोगों ने मुहिम चलाया है ताकि सहयोग राशि के जरिए जरूरतमंदों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति ने महाराष्ट्र में सूखा राहत काम शुरू कर दिया है। उनका प्रयास मानवों के अलावा मवेशियों के लिए भी राहत कार्य करना है। कुछ किसान जिसकी रोजी रोटी और आय का साधन पशु हैं, वो उन्हें बेच रहे हैं क्योंकि जानवरों के लिए चारा उपलब्ध नहीं है। इसी को देखते हुए जन कल्याण समिति उन किसानों तक चारा पहुंचा रही है जो अपने पशुओं पर आश्रित हैं। राहत कार्यों में प्रभावित इलाकों में वाटर टैंकरों की उपलब्धता, जिसमें परमानेंट वाटर टैंकरों की व्यवस्था भी शामिल है, के अलावा मवेशियों के लिए चारा, गांवों के लिए वाटर स्टोरेज टैंकरों की उपलब्धता और विद्यार्थियों के लिए परिवहन और भोजन की व्यवस्था करना शामिल है। आपको बता दें कि 1972 के सूखे के दौरान जन कल्याण समिति की स्थापना की गई थी। उस समय इसका नाम आरएसएस सूखा निर्मूलन समिति था। बाद में इसका नामकरण जन कल्याण समिति किया गया। बीते दिनों भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हर तरह की मदद देने का आश्वासन के अलावा सहयोग राशि भी दी।
और जनता को ये भरोसा दिलाया कि वो संसद के दोनों ही सदनों में विपदा पीड़ितों के हक के लिए आवाज उठाएंगे ताकि उन्हें उचित सुविधाएं मिल सके। जरूरतमंदों और विपदा पीड़ितों के कल्याण और इस भयावह विपदा से निपटने के लिए सहयोग राशि देकर आप भी अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। कृपया अपना सहयोग यहाँ दें। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन लोगों से ट्विटर पर संपर्क कर सकते हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि जरूरतमंदों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा सकें।